हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल, कि ये जो नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर हैं या इरेशनल। इसमें पहला दे रखा है √23, √225, 0.3796, 7.478478, 1.10100, 1000, इस तरीके से। अब आपको बताना है कि इसमें कौन रैशनल है कौन इरेशनल है, ठीक है। तो देखने से भी बता सकते हैं, लेकिन हमको विद आंसर के साथ में ये चीज़ें लिखनी है। कैसे लिखनी है? विद रीज़न के साथ में। तो √23, अब आपको पता है 23 इज़ अ प्राइम नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्राइम नंबर इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कोई भी प्राइम नंबर होता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। और ये जो जिसका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो कैसा नंबर होता है? एक इरेशनल नंबर। तो √23 इज अ इरेशनल नंबर। आ गया समझ में? और क्या हो सकता है? अगला क्या है? √225। अब इसका ये तो क्या है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 15 का। तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 15/1। तो ये क्या हो गया? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। तो क्या हो गया? ये इट इज अ रैशनल नंबर। ओके, अगला क्या देगा? 0.3796। ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है? तो इट इज अ रैशनल नंबर। आगे देखो, 7.478478 ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या? 478478, ठीक है। तो 478478 ये रिपीट, यानी कि 478 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 7.478 बार। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और जब ये इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसे भी क्या बोलते हैं? इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि बता ही चुका हूँ रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या जिसे और क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये लिख रहा है 1.10100100100001, यानी कि कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग है ना, तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही जो है नॉन रिकरिंग, यानी कि बार बार इसके रिपीटेशन भी किसी का नहीं हो रहा। तो ये और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है? इरेशनल नंबर का। तो ये नंबर कैसा हो गया? इरेशनल नंबर। आ गया बात समझ में? तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो एक्सरसाइज 1.3 का ये लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज क्या होती है? समाप्त होती है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको मेरी वीडियो किस तरीके से पसंद आई, आपको क्या कुछ अपना सुझाव देना है, तो वो आप जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।